हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है एक्सएल 6 एंड ये एक 6 सीटर एमपीवी है। इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि 77 किलोवाट की पावर जनरेट करता है और 138 Nm का टॉर्क। एंड इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड भी मिल जाता है एंड ये सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में आती है। वेरिएंट्स की बात करूं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक जेटा और एक अल्फा, और दोनों में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। एंड इसमें आपको मैनुअल में 19 kmpl की और ऑटोमेटिक में 18 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम करती है कि कुछ ऐसी है कार की। एंड सिंपल सी है, लॉक अनलॉक ही आप कर सकते हैं। तो क्या क्या है इस गाड़ी के फीचर्स और क्या क्या मारुति ने आपको इस गाड़ी में ऑफर करा है सब बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। फ्रंट लुक की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स एंड डीआरएल्स, वो भी एलईडी हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा एक क्रोम गार्निश मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। ये है इसकी ग्रिल एंड ये भी अलग सी है दिखने में। ऑनेस्टली रियल लाइफ में गाड़ी बहुत मस्कुलर लगती है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। यहाँ नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं एंड स्किड प्लेट आप देखेंगे तो सिल्वर मिलती है आपको। बड़ा सा मारुति का लोगो मिल जाता है यहाँ सामने ग्रिल पे। साइड लुक की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है आपको XL6 की साइड प्रोफाइल, एंड दिखने में भाई काफी ज्यादा स्पोर्टी है। बेसिकली अर्टिगा का ही एक स्पोर्टी वर्जन आप कह सकते हैं। जो ये ब्लैक क्लैडिंग दी गई है इससे गाड़ी की स्पोर्टीनेस और बढ़ जाती है। एंड ये अलॉय व्हील्स आप देखेंगे ये भी काफी स्पोर्टी है, 15 इंचेस के आपको मिलते हैं। एंड आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। प्रोफाइल की बात करूँ तो 185/65 R15 है। एंड अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ थोड़ा ब्लैक पार्ट दे रखा है। ये ऐसा लग रहा था जैसे जो बेस मॉडल होते हैं उनके इंडिकेटर फेंडर पे होते हैं, तो इंडियंस अपन जुगाड़ करने के लिए ऐसे कर देते हैं छुपाने के लिए, तो ऐसा लग रहा था। नीचे आपको क्रोम की पूरी एक लाइन मिल जाती है एंड आपको यहाँ क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं एंड कीलेस एंट्री का ऑप्शन है एंड आप फिजिकल की भी इंसर्ट कर सकते हैं। ORVM की बात करूँ तो आपको ब्लैक कलर के ORVMs मिलेंगे एंड इंडिकेटर भी आपको ORVM पर ही मिल जाते हैं। एक बार इंडिकेटर ऑन करके दिखाती हूँ तो ये इसकी इंडिकेटर्स एंड यह पूरी क्रोम की लाइन मिल जाती है। एंड ऊपर आपको रूफ रेल भी दी गई है जो कि इसका स्पोर्टी लुक बढ़ाने के लिए, मतलब एमपीवी को एसयूवी में पता नहीं क्या कर रहे थे लोग। पीछे से कुछ ऐसी है एक्सएल 6 की लुक एंड ब्लैक और ब्लू का डुअल टोन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं एंड ये नीचे क्रोम गार्निश दी गई है टेल लैम्प्स के। एंड ये पूरी यूनिट ऐसे जलती है जो कि दिखने में भाई बहुत मस्त लगती है। एंड आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं एंड 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर्स है इसमें रियर में। एंड नीचे की स्किड प्लेट आप देखेंगे ना तो ये भी गाड़ी को काफ़ी मस्कुलर लुक दे रही है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लैंप और वॉशर भी दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 45 लीटर्स है एंड यहाँ पे पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। तो अभी गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं एंड देखते हैं क्या है इंटीरियर एंड ऑल। तो ये है ड्राइवर साइड डोर एंड आप देखोगे तो पूरा ब्लैक में है, बस बीच में ये थोड़ी मार्बल सी फिनिशिंग करी गई है, ये प्लास्टिक ही है एंड ये सिल्वर फिनिश भी आपको मिल जाती है। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं एंड ये ऑल पावर विंडो, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स और ट्विटर भी आपको मिल जाते हैं। तो हाँ, बस ड्राइवर साइड यही सब मिलता है आपको डोर पर। एंड अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड अब थर्ड सुनना गेट का। तो थर्ड कुछ अनसेटिस्फैक्टरी लगेगी क्योंकि इसके डोर काफ़ी हल्के हैं। एंड अगर ड्राइवर साइड की आप बात करें तो यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं एंड आप हाइट एडजस्टेबल भी कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है, एक एमपीवी में आपको मिल रहा है। कुछ ऐसा है एक्सएल 6 का इंटीरियर एंड दिखने में काफ़ी सही लगता है, प्रीमियम लगता है। जो बीच में मार्बल का वर्क दे रखा है ना, मतलब मार्बल वुड कुछ भी कहो आप, ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है एंड अच्छा लग रहा है दिखने में। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है एंड यहाँ ये ऑटो आइडियल स्टार्ट स्टॉप है एंड ये हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं आपको। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो आपको डी कट मिलेगा एंड रैप भी मिल जाता है एंड यहाँ सिल्वर फिनिश दी गई है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। इसकी MID देखेंगे तो एनालॉग मिलेगी एंड बीच में छोटी सी स्क्रीन है एंड ये रही इसकी स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसको एकदम म्यूट कर देते हैं। ये देखो ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, सिर्फ टिल्ट मिलता है
ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको हजार लाइट का मिल जाता है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसी है। एंड ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको एक्सेल 6 में मिल जाता है। अभी गाड़ी ऑफ है इसलिए ऑन नहीं हुआ, वरना ऑन हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख जाते हैं, ये स्क्रीन है बेसिकली यहाँ पर। एंड ये नीचे आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है स्टोरेज के लिए। यहाँ पर आपको USB और AUX का भी पोर्ट मिल जाता है। एंड उसी के बगल में आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी आपको मिल जाता है। यहाँ तो आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एंड ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें आपको एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिल जाता है। एंड ये रहा इसका आर्मरेस्ट, छोटा सा है यार, मतलब यहाँ पर स्लाइडेबल है, छोटा है पर स्लाइडेबल है, तो सही है। ये है ना यहाँ पे बटन, इसको अभी तो बहुत ही छोटा है, मतलब इसमें आप ज़्यादा नहीं रख सकते भाई, मेरा ये देखो हाथ पे करूँ ना तो छोटा सा ही है भाई, तो नहीं स्लाइडेबल है तो हाँ प्रैक्टिकल है। सीट्स की बात करूँ तो टॉप मॉडल में आपको लेदराइट सीट्स मिल जाती हैं, कंफर्ट वाइज अच्छी हैं। ग्लव बॉक्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखेंगे आप, डीप है अच्छा है, बट आपको इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं दी गई है। एंड डीप है अच्छा है ग्लव बॉक्स का, तो हाँ बस यही है यहाँ पर तो। और ये पैसेंजर साइड में आपको मैनुअली ही मिलेगा। अगर यहाँ ऊपर की बात करूँ तो मेरी शक्ल दिखाएगा यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है एंड मिरर भी मिल जाता है। IRVM आपको मैनुअली मिलेंगे इसमें। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है एंड काफ़ी लोगों को चाहिए होता है सनग्लास होल्डर। एंड यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट्स दी गई हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वेंट्स हैं, ये सेकेंड रो पैसेंजर के लिए, AC के लिए जो वेंट्स है उसके लिए है, तो अभी वो दिखाएंगे पीछे जाके। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको लाइट और मिरर दोनों मिल जाता है। यहाँ से आप ORVM को फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइवर साइड के इधर तो यहाँ थोड़ी सी स्पेस मिलती है, तो सही है। स्टीयरिंग पर आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स मिल ही जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और यहाँ पर है MID के। एंड आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। एंड बोनट का व्यू दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है, मतलब मैंने अभी अपने आंखों के सामने रखा है तो इतना दिख रहा है। एंड आप मुझसे लंबे होंगे, ऑब्वियसली होंगे, तो इतना दिखेगा कुछ आपको बोनट, तो बोनट भी दिख जाता है इसमें, तो सही बात है। एंड अभी चलते हैं सेकेंड रो स्पेस में एंड देखते हैं कितनी स्पेस ऑफर की गई है वहाँ पर। ये देखो इस पर स्क्रीन मिल जाती है, अभी बंद करते हैं। तो अभी चलते हैं इसकी सेकेंड रो में एंड आप देखेंगे सेकेंड रो का डोर भी सेम ही है, सब कुछ मिल जाता है इधर, बॉटल होल्डर वगैरह सब है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं एंड ये रिक्लाइनेबल हैं, ये आप इन्हें मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, ये आपको एडजस्टेबल मिल जाती है, आप इसे पीछे भी कर सकते हैं। तो भाई अभी मैं इसको पीछे करती हूँ, इससे पीछे तो नहीं जा रही। लेग रूम देखोगे तो सही है यार, ये कट कर रखा है ना, तो इतना लेग रूम मेरे पास इनफ है, सफिशिएंट है। यहाँ पे आपको ये जगह मिल जाती है खाली खाली। पीछे साइड आपको यहाँ मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यहाँ थोड़ी ये जगह। एंड ऊपर आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स। ये सेकेंड रो में यहाँ इसलिए ताकि वो थर्ड रो वालों तक भी चल जाए, वरना यहाँ दे दे तो कोई प्रैक्टिकल ही नहीं होते। ये आपको ऐसे मिलता है। एंड कंफर्ट की बात करूँ ना, अच्छी लगी मुझे सीट्स का कंफर्ट वगैरह ना, अच्छा लगा मुझे। अब इसी थर्ड रो में चलते हैं, थर्ड रो में तो यहीं से जा सकते हैं, तो यहीं से जाएंगे ऑफ कोर्स। ये सीट ना मैंने पूरी पीछे कर रखी थी, इसका पता नहीं, यहाँ का यहाँ पे बैठ के दिखा देती हूँ। देखो भाई है यार जगह है, इनफ स्पेस है। अभी चलते थर्ड रो में। अरे भाई यार, ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें ना मेरे को सेकेंड रो स्पेस सच में अच्छी लगी, मतलब इस सेगमेंट में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यार। थोड़ी अपराइट पोजीशन है बट एडजस्टेबल मिल जाते हैं आपको। ये उठ ही नहीं रही, ये पता नहीं है नीचे नहीं हो रही ना, ये अटक गई यहाँ पे, इसको आगे करना पड़ेगा, मैं एक बार आगे करती हूँ। अच्छा इसलिए वो आगे नहीं हो रही थी, एक सेकेंड यार, वो आगे इसलिए नहीं होती, वो पीछे अटक रहा, देखते कितनी पीछे। हाँ भाई पीछे तो अभी इनफ स्पेस है, इसको हमने पूरा पीछा कर दिया। देखो अभी मेरे हिसाब से एडजस्ट कर दी, अभी चलते हैं, इतना छोटा वैसे कोई होगा नहीं जो आगे बैठेगा।
अभी ये सीट उठेगी। थोड़ी अपराइट पोजीशन है बट मुझे बैठने वाइज सही लगी सीट। यहाँ पर कप होल्डर मिल जाता है, ग्लास एरिया भी काफी बड़ा एंड वाइड है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी में थोड़ा शिफ्ट लगेगा क्योंकि भाई मेरा फोन तो ओवरहीट हो गया, ये पता ही नहीं इसमें पंगे चल रहे हैं। थोड़ा धूप में भी लाइट ही तो भाई देखो, थर्ड रो में इतनी स्पेस मिल रही है, हालांकि ये बहुत ही आगे है, इतना आगे करता नहीं है बट हाँ काफी अच्छी स्पेस लगी मुझे। XL6 सच में प्रैक्टिकल तो गाड़ी है बट बूट स्पेस तो देखो यार क्या ही मिलेगा, बट कोई बात नहीं अभी देखो भाई सही है। मतलब स्पेस वाइज ना यहाँ भी मेरे को सही लगा, यहाँ भी सही है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है। स्पेस मुझे काफी अच्छी लगी एंड एसी वेंट्स भी प्रैक्टिकल हैं, तो गाड़ी तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब आपको पता है कहाँ लैग करती है मारुति, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगी बार बार। तो बस थोड़ी पोजिशन ना अपराइट है, बाकी सब बढ़िया है गाड़ी में एंड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल ही जाते हैं। तो अभी मैं आपको बूट दिखा देती हूँ गाड़ी की, चलते हैं बाहर। तो अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो 209 लीटर्स आपको मिलती है अगर तीनों रोज खड़ी हैं। अगर थर्ड रो का अपन गिरा देते हैं तो 550 लीटर्स की बड़ी बूट स्पेस मिल जाती है एंड बाय चांस अगर आप दो ही जने ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आप सेकंड रो को भी गिराते हो तो 692 की बहुत ही बड़ी बूट स्पेस अवेलेबल हो जाती है। यहाँ आप देखोगे तो बूट स्पेस सही है एंड यहाँ पे नीचे आपको कुछ स्टोरेज के लिए भी मिल जाता है, तो इससे बूट स्पेस थोड़ी और बढ़ जाएगी। एंड अगर अपन थर्ड रो को गिराए ना तो भाई बूट स्पेस बड़ी हो जाती है। मैं एक बार इनको नीचे कर देती हूँ सीट्स को, ये हो नहीं रही, इसका वो हेडरेस्ट अटक गया है। तो मतलब ऐसे देखो बड़ी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो अभी इनको मैं वापस से खड़ा कर देती हूँ एंड और अगर आप सेकेंड रो को गिराओ तो भाई सो जाओ आप आराम से यहाँ पे। भाई ये क्या था, स्पेयर टायर नीचे मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको ड्यूअल फ्रंट एयर बैग्स, ABS विथ ABD, सीट बेल्ट, प्री टेंशनर्स विथ फोर्स लिमिटर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कम्प्लेन, फुल फ्रंटल इम्पैक्ट कम्प्लेन, फ्रंटल ऑफसेट कम्प्लेन, साइड इम्पैक्ट कम्प्लेन, सुजुकी टेक बॉडी, ये सब मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये कौन कौन से कलर ऑप्शन में आती है तो ये टोटल 6 कलर्स में आती है, नेक्सा ब्लू, ब्रेव खाकी, अब्रन रेड, मैग्मा ग्रे, प्रीमियम सिल्वर, आर्टिक वाइट। वेरिएंट्स और उनकी प्राइसिंग आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। सो हाँ गाइस, बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। कैसी लगी आपको XL6 कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।